अच्छा, आज का ट्यूटोरियल ना लगता तो हेयर ट्यूटोरियल है, और शेयर भी मैं हेयर ट्यूटोरियल ही करने लगी थी, लेकिन मुझे ये हेयर ट्यूटोरियल से ज़्यादा हॉरर ट्यूटोरियल लग रहा है। ये मैनेकिन का मुंह इतना चिट्टा क्यों है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। How are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today? So, आज के ट्यूटोरियल में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ how to make a hairstyle with thick hair. हाँ जी, इससे पहले मैंने जितने भी आपके साथ हेयर ट्यूटोरियल्स शेयर किए हैं वो थिन हेयर्स के साथ किए हैं, क्योंकि थिन हेयर्स वालों के साथ बहुत मसला होता है कि खुले रखते हैं तो बहुत फ्लैट लगते हैं, और जब पोनी कर रहे थे तो पतली सी पोनी बहुत बुरी लगती है। तो इन ऐसे हेयर स्टाइल्स को ज़रा ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट थिक बालों का ये होता है कि वो तो खुले भी स्ट्रेट रहे ना तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन सीधे रख रख के या स्ट्रेट करके भी बंदा बोर हो जाता है। तो उनके लिए क्या होना चाहिए हेयर स्टाइल जो बहुत ही आसान हो जाए? ऐसे थिक बालों के लिए बाल जूड़ा बनाना जो है ना, वो भी अगर टेक्निकल बातों की तरफ सोचा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो चले जी, आपकी मुश्किल आसान करने लगे हैं। हमने करना ये है कि पीछे एक पोनी कर लेनी है, उसके बाद आपने एक पोनी को अपने तीन पोनीज में डिवाइड कर लेना है। अब आपने बालों को नीचे से करना क्या है जी, ट्विस्ट करते जाना है और उसको अंदर की तरफ फ्लिप करते जाना है। अब बाल थिक हैं तो आपको बीच में रबर बैंड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बाल थिक हैं तो वो उसका वेट जो है ना वो सह लेते हैं, लेकिन जब आपके बाल थिन होते हैं तो फिर आपको बीच में रबर बैंड्स ऐड करने पड़ते हैं ताकि उनका जो वॉल्यूम है ना वो बना रहे। लेकिन थिक बालों का ये होता है कि उनमें ऑलरेडी इतनी बॉडी होती है, इतनी जगह होती है कि वो वैसे ही स्ट्रेट या अपनी जगह पर टिके रहते हैं। तो बस आपने बालों को दो हिस्सों में डिवाइड करना है और आपने फ्लिप करते जाना है उनको अंदर से बाहर की तरफ, और हल्का हल्का उनको पुल करते जाना है। तो इस तरह आपके जो बाल हैं या आपके पास जो एक टेक्सचर है ना बालों का वो आ जाएगा, और उसके बाद हम इसका जूड़ा बनाना शुरू करेंगे। और वो किस तरह बनाएंगे कि आपने नीचे से ऊपर की तरफ लाना है और बालों को घुमाते हुए पिन करते जाना है, यानी कि पहले आपने बाल पहला बाल ले लिया, उसके बाद दूसरे बाल को आपने फिर नीचे से उठाया और आपने फ्रंट पर लाते हुए अंदर की तरफ पिन कर दिया। पहले आपने दोनों बलों को आपने लेफ्ट से राइट की तरफ घुमाया था, अब हम दूसरे दो बलों को राइट से लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे ताकि थोड़ा सा सिमेट्रिकल रहे, क्योंकि एक ही तरफ बाल ज़्यादा घुमाते हुए वो फिर बबल सा बन जाएगा और वो थोड़ा सा टेढ़ा भी लगेगा। अब आपने जो नीचे के दो बल रह जाएंगे उनको फिर से आपने नीचे की तरफ पिन करना है ताकि वो अपनी जगह पर जो है ना वो स्ट्रेट रहे। उसके बाद जो लास्ट वाला बल है उसको आपने फिर लेफ्ट की तरफ पिन करना है और फिर आपने उसको ऊपर की तरफ घुमा देना है। तो चले जी, उसके बाद हमने खूबसूरत से किसी यहाँ पायल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी किसी किस्म का जो है वो हेयर एक्सेसरी यूज़ कर सकते हैं और उससे अपने बालों को स्टाइल कर लेना है। तो आसान सा ट्यूटोरियल था, आई होप आपको पसंद आया। अगर लाइक देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द लव वंस अराउंड यू, एंड बिफोर यू लीव यू कैन चेक आउट ऑल द हेयर स्टाइल्स बिफोर दैट आई हैव शेयर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अल्लाह हाफिज़।